जेके न्यूज टुडे देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल के दिन की बात करें तो लोकसभा में दो बिल्स जो हैं वो परसों पेश किए गए थे होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से, और कल जो है वो दोनों के दोनों बिल जो हैं वो लोकसभा में पास हो गए, जिसमें साफ तौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ खास बातचीत की गई और साफ तौर पर यह कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए जो है वो दो सीट जो है वो असेंबली इलेक्शन में रहेंगी। तो इसी चीज़ पे जो है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर राकेश कोल जी मौजूद हैं। राकेश कोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आपका। राकेश कोल जी, क्या कहेंगे जो कल के दिन जो है दो बिल पास हुए और कश्मीरी पंडितों पंडित समुदाय के लिए कहीं ना कहीं दो सीट जो है वो रिजर्व करी गई है, लेकिन ये भी कहा गया उसमें से एक सीट जो है वो कहीं ना कहीं एक महिला की रहेगी। नहीं देखिए, वो तो भागीदारी हम बहुत इसमें आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये खुशी का मुकाम है, खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के इतने बहुत बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में कश्मीरी पंडितों की बात को उठाना, उसके बाद आज तक जो हुआ नहीं है वहाँ से दो सीटों का रिजर्वेशन के अंदर पारित करने, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम इसका धन्यवाद करते हैं और खुशी से हम इसकी बात की, हमें खुशी है, मगर क्लियरेंस यही चाहिए हमें इसमें कि जो ये इन्होंने किया कि ये सिलेक्टेड हो गया इलेक्टेड हो, हम चाहते थे अगर इलेक्शन के प्रोसेस में होता तो बहुत अच्छी बात होती, ताकि जो काबिल और मतलब जहीन लोग जो जिनको कम्युनिटी का दर्द है, जिन्होंने दर्द झेला है, वो आएंगे, उनको पता है कि हमने कैसे सांपू और बिच्छू 45 डिग्री में अपने जो पूर्वज हो वो खोए हैं। तो साथ में ये भी बोलूँगा आपको कि देखिए, कल आप ये न करें, कोई भी आएगी, चाहे आज भाजपा है, कल एनसीपी आ सकती है, पीडीपी, कांग्रेस, कोई भी आ सकता है, ये न कहीं अपनी कोई लाभी ऐसी बनाए जिनको माइग्रेशन के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो 80 के दशक से पहले निकले हैं, जो 47 में निकले हैं, कहीं वो न हमारे ऊपर थोपे, वो उस चीज़ का हमें डर लग रहा है। ये क्लियरली होना चाहिए, कश्मीरी पंडित विस्थापित के लिए है, जो 90 में, चाहे वो, इवन मैं इतना बोलता हूँ जो कश्मीर में भी कुछ परसेंट हमारे हैं उनको भी लाभ होना चाहिए, और साथ साथ में जिन्होंने वाकई माइग्रेशन की है, जिन्होंने वो दुख दर्द 90 का झेला है, जिन्होंने वो सख्ती देखी है, उनको उसका लाभ डायरेक्टली मिलना चाहिए। जैसे कि कल साफ तौर पर होम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जो है उसका दुख दर्द जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो हैं वो निकली है, क्या कश्मीरी पंडित उन स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं? देखिए, पहले तो कोई भी स्कीम हमारे लिए थी नहीं, जो भी कोई गवर्नमेंट सेंटर से या स्टेट से कोई भी होता था उस पर हमारे डायरेक्ट लागू नहीं होता था, अब सुनने में आया है कि डायरेक्टली उनका असर हमारे इस पर पड़ेगा, वो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी स्कीमों का लाभ हमें उठता नहीं है। अब मैं एक बात बताऊँ, हम क्यों बोलते हैं कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना चाहिए, अब हम आज जम्मू में अगर हम किसी भी कॉरपोरेट को बोलते हैं कि हमारी गली नाला, वो कहते हैं आपका वोट ही नहीं है यहाँ, फिर जब हम कश्मीर बोलते कहते हैं आप यहाँ रहते नहीं हैं, मतलब हमें तो हवा में रखा गया ना, इसीलिए हम चाहते हैं हमारे जो लोकतंत्र में जो भागीदारी हमारी होनी चाहिए वो इलेक्शन सिस्टम से होनी चाहिए, इवन पंचायत लेवल से लेके डीडीसी तक, डीडीसी लेके असेंबली तक, असेंबली से लेके इवन पार्लियामेंट तक, ताकि आप देखिए मोदी जी ने इतना बड़ा पार्लियामेंट बनाया, सीटें भी बढ़ाई है, और उम्मीद है कि एक सीट शायद हमारे लिए भी उसमें हो सकती है, ताकि हम अपने मसले, हम क्यों दूसरे के बलबोते, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक है, लद्दाख से ज़्यादा है, जब लद्दाख के लिए ये इतना कर से, हम बुरा नहीं, हम ये कि हमें बुरा लगता उनको, क्योंकि अगर उनको वो इतना तरजीह देते हैं, हम भी उनके बराबर, उनसे थोड़ा सा हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा ही है, अगर वो उनको उनको इस हिसाब से देखते तो हम उनसे कम नहीं है, और हमने हर वक्त गवर्नमेंट का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है, जब परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी उस वक्त भी ये कश्मीरी पंडित कंधे से कंधा मिला के गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहा। सबसे अहम सवाल साफ तौर पर कल लोकसभा में ये बात की गई कि जितने भी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, जिन्होंने विस्थापित कश्मीरी पंडित कहें, जिन्होंने प्लान किया था, उनको जो है वो घाटी में जल्द से जल्द जो है वो वापस बसाया जाएगा, उनके लिए एकोमोडेशन की बात करें तो एकोमोडेशन भी कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है, तो एज अ कश्मीरी पंडित आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के जिन लोगों ने प्लान किया था 89 में, क्या वो लोग सब वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, जब दुनिया मानता है मोदी है तो मुमकिन नहीं है, हम भी इसी आशा पर चल रहे हैं, हम खाली ये चाहते हैं कि जो हमारी वापसी वो एक डिग्निटी के साथ, एक इज्जत सम्मान के साथ, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरह हम देखते हैं जो रिफ्यूजीज़ हैं बाहर वाले, जो फैसिलिटीज, उन फैसिलिटी सबसे पहले हमें वंचित किया गया कि हम आरजी है और अपने ही देश से विस्थापित है, हम यही पिछले 34 साल से कह रहे हैं कि हमें अपनी घर वापसी चाहिए इज्जत और सम्मान के साथ, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो पूरा मिल जाएगा, मगर हम ये भी कभी कभी डर लगता कि यहाँ ऐसा ना हो कि यहाँ से उठाए वहाँ फेंक दे, फिर को वो उसको तो इज्जत सम्मान नहीं कहते, हम चाहते
घर वापस कौन नहीं चाहता, हर कोई तैयार है घर जाने के लिए, मगर चाहिए इज्जत और सम्मान और जो बेसिक नीड्स है, बेसिक फैसिलिटीज, सिक्योरिटी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ऑल थी थिंग्स, जो भी एक डे बाई डे जरूरत है उनकी हमें उनकी फैसिलिटी हमें होनी चाहिए। हम वी आर रेडी। हम कश्मीर के लिए। आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि जिस टाइम कश्मीरी पंडितों ने प्लान किया था, उस टाइम जो है उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद जो है सब कुछ करोड़ों की जो ज़मीनें थी वहाँ पर छोड़ दी थी। आज अगर आपको मोदी सरकार छोटी सी एकोमोडेशन देती है, क्या आप नहीं चाहते जो ज़मीनें आपकी पहले थी, जो आपके घर पहले थे, कि उस हिसाब से जो है आप वहाँ पर रहें, या मोदी सरकार की एकोमोडेशन? जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वक्त वक्त पर कानून बनाए हमारी प्रॉपर्टी के लिए, चाहे वो 1996 का है माइग्रेंट एक्ट, या उसके बाद जो 2019 के बाद जो गवर्नमेंट ने वो एकदम, अगर वो असली शेप में ज़मीन पर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि जिसने ज़मीन बेची है उसको वो ज़मीन मिल जाएगी, क्योंकि उस वक्त परिस्थितियाँ ऐसी थी, सड़क पर लोग थे, मजबूरन बेचना पड़ा, जो ज़मीन जिस ज़मीन का कीमत 1000 था वो उसने 50 रुपये में बेचा, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। हम मजबूर थे, मजबूरी का फ़ायदा अगर किसी ने उठाया तो गलत बात है, उसमें ऊपर वाला भी ना मतलब राज़ी नहीं होगा। तो ये अगर सहमति के साथ ये चीज़ें हैं उसमें तो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं, मैक्सिमम जो हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो वेलकम के लिए तैयार है, वो कहते हैं कि इनके अगर कहीं हक बनता है उनको दे दीजिए, वो गवर्नमेंट को भी कहते हैं। आपने देखा पिछले साल जब ज़मीनें छुड़वा दी गई है तो मैक्सिमम लोगों ने साथ दिया है। अब किसी का पर्सनल था वो उसको मुश्किल हो गया अलग बात है, मगर अगर गवर्नमेंट उस पर आगे आ जाए, उस पर ग्राउंड पर काम करे तो बड़ी बात नहीं है उनके लिए। आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें जो है वो कल के दिन लोकसभा में कहीं ना कहीं वो बिल भेजा गया, पास हो गया, तो आखिर में क्या कहेंगे आप कश्मीरी पंडित समुदाय की तरफ से, कि कैसा लगा आपको कि जो 2 सीटें जो है असेंबली इलेक्शन में आपको? बहुत अच्छी बात है, ये एक ऐतिहासिक डिसीजन है, ऐतिहासिक कदम है, पार्लियामेंट में ये कहना ये बहुत बड़ी बात है, मैं वेलकम करता हूँ इसको, पर्सनली मैं वेलकम करता हूँ उसको। आप खुद देख रहे हैं आजकल कुछ सालों से हम देख रहे हैं हमारी कोई बात ही नहीं सुनता है, तो आज हम खुश होते हैं अगर कोई बात भी हमारी उठती है, खासकर हिंदुस्तान के बड़े आईवान में ये बात उठी है तो हम बहुत खुश हैं। देखिए कल जो बिल पास हुआ उसमें वो 2 सीटें नहीं दी गई, उसमें कश्मीरी पंडितों की आइडेंटिटी छीनने का काम किया गया। जो कश्मीरी पंडित का इलेक्टोरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, उसको स्नैच कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कल के पार्लियामेंट में। हमारी जो आइडेंटिटी है कि हम कश्मीरी पंडित हैं, हम कश्मीर की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। एक तरफ से आप वोटर आईडी बना रहे हो, आप बोल रहे हो वोटर देने का हक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल रहा है हमें, ये जो कंट्री है ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे आधारित है हमारी कंट्री, यहाँ डेमोक्रेसी का इतना बड़ा, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो अगर हमें वोट देने का हक ही छीना तो हमारे नॉमिनेटेड सीट्स का क्या मतलब है? सीट्स आपने 2 दिए, लेकिन अगर आप ये 2 सीट्स आप चुन लेते किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, दो किसी भी एरिया में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन लेते, उसमें कश्मीरी पंडित को हक देते वोट देने का, और वहाँ उन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर वहाँ कोई भी पार्टी खड़ी हो जाती लेकिन उसका कैंडिडेट सिर्फ कश्मीरी पंडित होता, तो कश्मीरी पंडित को मौका मिलता एक अच्छा कैंडिडेट चुनने का अपनी कम्युनिटी में, उसको भेजने का, जिस कैंडिडेट को बोलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता, जिस कैंडिडेट को जवाबदारी रहती कम्युनिटी के प्रति, जो एक रिस्पॉन्सिबल रहता और कम्युनिटी का हक बनता था उसको पूछने का। यहाँ आप पैराशूट से कश्मीरी पंडितों के नेता भेजते हो, आपने MLC भी 2 भेज दिए पैराशूट से, जिन्होंने 2 काम भी नहीं किए कश्मीरी पंडितों के, आप अब पैराशूट से 2 लोगों को और भेज रहे हैं, जो MLA तो होंगे, आपने उनको दर्जा MLA का दिया लेकिन उन MLA का कोई महत्व ही नहीं, ना मतलब रहा। आपने हमें पाकिस्तानी महाजरों के साथ कंपेयर किया और हमको भी आपने महाजर बना दिया अपने ही देश में। अगर इंडिया में डेमोक्रेटिक राइट है वोट देने का, वोट कास्ट करने का, तो हम कश्मीरी पंडितों का वोट देने का अब मतलब कहाँ रहा? हम किसको वोट दे दें अब? मतलब आपने हमें बना दिया एक बंदी हुई गाय, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आप वोट दे दो और जो पार्टी पार्लियामेंट में है उसको वोट दे दो, क्योंकि बस एक ही इलेक्शन रहा पार्लियामेंट्री। मतलब आपने इनडायरेक्टली कश्मीरी पंडितों को यह संदेश दिया कि आप बंदी हुई गाय हो कश्मीर से बाहर, आपको कश्मीर जाना नहीं है, और आपने एग्जोडस की 2 वर्चुअल सीट्स पकड़ा दी जिसका कोई मतलब नहीं रहा।
कश्मीरी पंडित कश्मीर का है, कश्मीर की धरती कश्मीरी पंडितों की है। कश्मीरी पंडित को के साथ अगर आपको इंसाफ करना है तो कश्मीर की धरती से हमको दो कॉन्स्टिट्यूएंसी दो जिसमें हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जो भी पार्टी वहाँ इलेक्शन लड़ेगी उसका कैंडिडेट कश्मीरी पंडित होना चाहिए। ये आम कश्मीरी पंडित को मंजूर नहीं है। तौर पर अमित शाह जी ने ये भी कहा कि जो भी दुख जो है हम जिन्होंने प्लान किया है 90-89 में कश्मीरी पंडितों ने, उनका दुख जो है वो भाजपा ने समझा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा, तभी जो है ये दो सीट। देखिए ये बातें तो हम पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, अगर वो कश्मीरी पंडितों का दुख समझते तो कश्मीरी पंडित आज की डेट में कश्मीर से बाहर नहीं होता है। जो 2014 में मोदी जी यहाँ आए थे 24 मार्च को, जब उन्होंने वैष्णो देवी का दर्शन किया था, उसके बाद उन्होंने पहला शब्द बोला था कि मेरी कश्मीरी पंडितों की प्रायोरिटी है, मैं उनको वापस अपनी धरती पे ले जाऊंगा। लेकिन आज 9 साल हो गए, बीजेपी अगर इस दुख को समझ लेती कश्मीरी पंडितों का, आप कश्मीर में वापस सेटलमेंट के बारे में कुछ बोल देते। अगर आप कश्मीरी पंडितों का दुख समझते तो कश्मीर की धरती से आप 2 सीटें दे देते इलेक्टेड मोड पर। आपने सिलेक्टेड मोड पर कश्मीरी पंडितों जो आपको प्यारा होगा, जो चेला चपाटा आपको प्यारा होगा, उसी को आप उठा के हमारे सर पे बिठा देंगे। वो हमें आम कश्मीरी पंडितों को मंजूर नहीं है। आम कश्मीरी को पंडितों को मंजूर है कि आप हमारी धरती से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 सीटें दे दो जिस पे कश्मीरी पंडित खड़ा होगा, चाहे जिस भी पार्टी का है। क्या आप डरते हो कि कश्मीर में अगर 2 सीटें आप कॉन्स्टिट्यूशनली दे दें जिसमें कश्मीरी पंडित को वोट देने का अधिकार होगा और कश्मीरी पंडित को ही खड़ा होने का अधिकार होगा, तो वो कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा होगा। आप ऊपर से पैराशूट से 2 लोग भेजेंगे जिसको कश्मीरी पंडित मंजूर नहीं करता। एक आम कश्मीरी पंडित को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये आपने हमारे कम्युनिटी के पीठ पे छुरा बोक दिया है, आपने हमारे अपने अधिकार से वंचित कर रहे हो और कर दिया है।